क्या आपको पता है कि खड़े होकर पानी पीने से घुटने खराब हो जाते हैं, लेकिन कैसे? क्या आपको पता है कि कौन बनेगा करोड़पति में जीतने वाले प्रतियोगियों को पैसे किस व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं? क्या आपको पता है कि भारत के राज्य में ये सैलून वाला सोने की कैंची और रेजर से ग्राहकों के बाल काटता है, लेकिन क्यों? या फिर क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति ने 8 अंक वाली नंबर प्लेट खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन क्यों? क्या आपको पता है कि जंगल में लगने वाली आग के लिए कौन सा पक्षी जिम्मेदार होता है? अगर नहीं तो इस मजेदार वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, मध्य यूरोप में बसा पोलैंड एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक देश है जहां सबसे ज्यादा ईसाई आबादी निवास करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा चर्च भी पोलैंड में ही हैं, क्योंकि ये देश ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाना जाता है। पोलैंड में हर 50 कदम की दूरी पर एक चर्च होता है, जबकि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी शहरों में बड़े और शानदार चर्च मौजूद हैं। अगर गूगल पर पोलैंड के चर्च की तलाश की जाए तो उसकी तस्वीर बहुत ही अजीब होगी, क्योंकि इस देश में चर्च की संख्या इतनी ज्यादा है कि गूगल भी उसकी साफ सुथरी तस्वीर नहीं दिखा सकता है। हालांकि इसका एक फायदा ये भी है कि पर्यटकों को पोलैंड में चर्च के लिए गूगल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ घर से ज्यादा चर्च हैं और सड़क किनारे चलते चलते आप किसी न किसी चर्च तक जरूर पहुँच जाएंगे। फैक्ट नंबर 2, फेस्टिवल सीजन आते ही ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेल शुरू हो जाती है, जिसमें ग्राहकों को एक से बढ़कर एक सस्ती और अमेजिंग डील दी जाती है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि मेगा सेल के दौरान फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियां प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों में बेचकर नुकसान झेलती होंगी तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल फेस्टिवल सेल के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों को बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो दाम कम करने का दावा करके प्रोडक्ट्स की बिक्री करती हैं। यानी आम दिनों में जिस प्रोडक्ट का प्राइस 2000 रुपए होगा, सेल के दौरान उसकी कीमत 2500 कर दी जाती है, जबकि ग्राहकों को ये दिखाया जाता है कि कंपनी 3000 का प्रोडक्ट 2500 में बेच रही है। इस तरह कंपनी की बिक्री बढ़ जाती है और उन्हें मेगा सेल के दौरान बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। इतना ही नहीं, आईफोन जैसे बड़े प्रोडक्ट्स पर भी ई कॉमर्स कंपनी की खूब कमाई होती है। जहां नॉर्मल दिनों में फ्लिपकार्ट रोजाना 100 आईफोन की सेल करता है, जबकि मेगा सेल के दौरान रोजाना 2 लाख से ज्यादा आईफोन की बिक्री होती है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लिपकार्ट को मेगा सेल के दौरान कितनी ज्यादा कमाई होती होगी, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। ऐसे में अगर आप भी मेगा सेल के इंतजार में लंबी शॉपिंग लिस्ट तैयार करते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले दूसरी वेबसाइट्स पर उसकी कीमत जरूर चेक कर लें। फैक्ट नंबर 3, आपने अक्सर सुना होगा कि खड़े होकर पानी पीने से इंसान के घुटने खराब हो जाते हैं, लेकिन क्या ये बात सच है? कई लोगों का मानना है कि जब इंसान पानी पीता है तो वो सीधा पेट में जाता है, तो उससे घुटने खराब कैसे हो सकते हैं? ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि पानी पेट में जाता है और घुटने पेट से काफी नीचे होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति खड़े होकर पानी पीता है तो उसके शरीर में पानी अच्छी तरह से पच नहीं पाता है, जिसकी वजह से बॉडी में केमिकल बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर ये केमिकल रक्त के माध्यम से हमारे घुटनों तक पहुंचता है और उनमें मौजूद चिकनाहट को कम करने का काम करता है, जिसकी वजह से कम उम्र में ही इंसान को घुटनों के दर्द और चिकनाहट खत्म होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप भी खड़े होकर पानी पीते हैं और ये सोचते हैं कि पानी घुटनों को प्रभावित नहीं कर सकता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं और अपनी इसी आदत को जल्द से जल्द बदल लें। फैक्ट नंबर 4, कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने भारत समेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिसकी वजह से लोगों का रोजगार चला गया और कई महीनों तक काम ठप रहा। उन्हीं में से एक है सैलून यानी नाई का काम, जो लॉकडाउन खुलने के बाद भी काफी समय तक पूरी तरह से बंद था। ऐसे में जब महाराष्ट्र सरकार द्वारा सैलून खोलने की इजाजत दी गई, तो पुणे के कोल्हापुर में एक नाई ने गोल्ड से बनी कैंची से ग्राहकों के बाल काटना शुरू कर दिया। रामभाव संखपाल ने 3 महीने तक सैलून खुलने की खुशी में और ग्राहकों को अपनी दुकान की तरफ आकर्षित करने के लिए गोल्ड से बनी चीजों का इस्तेमाल करके बाल काटने और दाढ़ी बनाने का काम शुरू कर दिया। उनके इस कारनामे से वो रातों रात कोल्हापुर में मशहूर हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप पुणे के अलग अलग जगहों से लोग उनके पास गोल्ड की कैंची से बाल कटवाने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि रामभाव के पास एक 8 तोले का रेजर भी है, जिसमें लगी गोल्ड की ब्लेड से वो ग्राहकों की दाढ़ी बनाते हैं। रामभाव ने अपनी बचत के पैसों से गोल्ड से बनी कैंची और रेजर खरीदा था, ताकि वो अलग अंदाज में ग्राहकों को सर्विस दे सके और उनकी अच्छी कमाई भी हो जाए। फैक्ट नंबर 5, गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान की वजह से सूखी घास में आग लगाना बहुत ही सामान्य है, जो इस हद तक फैल जाती है कि जंगल के जंगल आग की लपटों की चपेट में आने से जलकर खाक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि जंगल में लगने वाली भयानक आग को भड़काने के पीछे प्रकृति से ज्यादा एक पक्षी का हाथ होता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जंगल में लगने वाली आग को कोई और नहीं बल्कि बाज हवा देते हैं।
ये पक्षी ऐसा इसलिए करता है ताकि इसे अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में शिकार मिल सके। दरअसल जब जंगल के किसी एक कोने में आग लगी होती है तो बाज उस आग में जल रही लकड़ी के छोटे टुकड़े को अपने पंजों की मदद से उठा लेता है और उसे जंगल के दूसरे हिस्सों में सूखी घास या पेड़ पौधों के ऊपर फेंक देता है। ऐसा करने से जंगल के उस एरिया में भयानक आग लग जाती है और वहाँ छिपकर रहने वाले जीव जंतु अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ऐसे में बाज हवा में उड़ते हुए जमीन पर भाग रहे जीवों में से अपने शिकार की तलाश करता है और फिर उसके ऊपर हमला करके उसे अपने पंजों में दबोचकर जंगल से दूर ले जाता है। इस तरह जंगल में आग लगाने से बाज को उसका मनपसंद भोजन मिल जाता है जिसे वो जंगल के किसी शांत और ऊंचे पेड़ पर बैठकर खाता है। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक अकेला बाज नहीं करता है बल्कि कई बाज मिलकर जंगल में आग लगाने के काम को अंजाम देते हैं ताकि उन्हें भूख से तड़प कर अपनी जान गंवानी न पड़े। फैक्ट नंबर 6, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत में जनसंख्या कितनी ज्यादा है जिसमें से शहरों में बड़ी आबादी निवास करती है। इतना ही नहीं शहरों में रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास कार भी होती है जिसकी वजह से सड़क पर जाम लगना बहुत ही सामान्य है। ऐसे में ट्रैफिक सिग्नल पर हॉर्न के शोर की वजह से ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है जिसका सीधा असर इंसान के दिल दिमाग और कानों पर पड़ता है। ऐसे में समस्या से राहत दिलाने के लिए भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक अनोखा उपाय खोजा है जिसके तहत लोगों को उनकी गाड़ियों में लगे हॉर्न को किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिप्लेस करना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट गिटार, पियानो, बांसुरी या तबला कुछ भी हो सकता है। इनकी आवाज बहुत ही धीमी और मधुर होगी जिसकी वजह से सड़कों पर हॉर्न की वजह से फैलने वाला ध्वनि प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ ही में ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों का मनोरंजन भी हो जाएगा। हालांकि अभी ये आइडिया पन्नों पर ही है लेकिन अगर ऐसा कानून सच में बन जाता है तो भारत की सड़कों पर रोजाना कई गानों की धुन तैयार होने लगेगी। फैक्ट नंबर 7, हम सभी के घर पर रसोई में LPG सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें से एक अजीब सी गंध आती है। इसी गंध की मदद से ये पता चलता है कि गैस लीक हो रही है और बड़ी दुर्घटना को रोका जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिलेंडर से गैस लीक होने पर जो गंध आती है वो LPG की नहीं होती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, असल में LPG में कोई गंध ही नहीं होती है। ऐसे में उसके लीक होने पर बदबू आना नामुमकिन है। लेकिन जब फैक्ट्री में खाली सिलेंडर के अंदर LPG को भरने का काम किया जाता है तो उस दौरान उसमें एक केमिकल को मिलाया जाता है। इसी केमिकल की वजह से सिलेंडर से गैस लीक होने पर बदबू होती है जो सुरक्षा के लिहाज से सिलेंडर में LPG के साथ मिक्स करके भरा जाता है। ये केमिकल सिलेंडर से गैस रिलीज होने पर हवा में गंध फैलाना शुरू कर देता है जिससे घर में रह रहे लोगों को सिलेंडर लीक होने की जानकारी मिलती है। अगर LPG को बिना केमिकल के सिलेंडर में भर दिया जाएगा तो उसके लीक होने पर कोई गंध नहीं आएगी और सिलेंडर ब्लास्ट होने पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फैक्ट नंबर 8, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो आपको अमेज़न के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। इस ई कॉमर्स वेबसाइट पर हर तरह के प्रोडक्ट हैं जिनकी कीमत नॉर्मल से लेकर काफी हाई होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अमेज़न की एक सीक्रेट वेबसाइट भी है जिसमें मिलने वाले प्रोडक्ट की कीमत आधे से भी कम होती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस वेबसाइट का नाम है अमेज़न वेयर हाउस। ये अमेज़न की एक सीक्रेट वेबसाइट है जिसमें ग्राहक उन प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं जो रियल वेबसाइट पर महंगे मिलते हैं। दरअसल इस वेबसाइट पर कंपनी उस सामान की सेल करती है जो डिलीवरी या वेयरहाउस में रखे रहने के दौरान थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। हालांकि इससे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है लेकिन उस प्रोडक्ट को बाजार में खुलेआम बेचने पर अमेज़न की मार्केट वैल्यू कम हो सकती है। इसलिए कंपनी ऐसे सामान को सीक्रेट वेबसाइट के जरिए बेचती है जिसमें ग्राहकों को चीज पसंद न आने पर प्रोडक्ट को रिटर्न और रिप्लेस करने की सुविधा भी दी जाती है। इस वेबसाइट पर आपको 7,000 रुपए की चीज सिर्फ 2,000 रुपए में मिल सकती है, तो देर किस बात की, आज ही अमेज़न वेयरहाउस वेबसाइट पर जाएं और खुलकर सस्ती शॉपिंग का मजा उठाएं। फैक्ट नंबर 9, दुनिया भर में रहने वाले लोगों का अपना कोई न कोई फेवरेट नंबर होता है जिसे वो अपने लिए लकी समझते हैं। लेकिन चीन में रहने वाले एक शख्स ने अपना लकी नंबर हासिल करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। दरअसल चीन में 8 नंबर को बहुत ही लकी माना जाता है क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि 8 नंबर अच्छी किस्मत और अमीर होने का प्रतीक है। ऐसे में एक शख्स ने नई कार खरीदी और वो चाहता था कि उसकी कार की नंबर प्लेट में 8 अंक जरूर हो, इसलिए उसने 14,80,000 रुपए खर्च कर दिए। इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद उसे 8888 संख्या वाली नंबर प्लेट मिल गई, जबकि उसकी कार की कीमत सिर्फ 5,00,000 रुपए थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन में 8 नंबर को कितना लकी माना जाता है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले शख्स ने कार से दोगुना कीमत वाली नंबर प्लेट खरीद ली। वो चाहता था कि उस नंबर प्लेट की वजह से उसकी किस्मत बदल जाए और वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाए। खैर, 8 नंबर ने उसकी किस्मत बदली हो या ना बदली हो, लेकिन उसकी मेहनत की कमाई जरूर खर्च कर दी। वैसे चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में यूनिक और लकी नंबर की प्लेट खरीदना बहुत ही आम बात है। हालांकि भारत जैसे देश में किसी एक नंबर को लकी मानने का चलन फॉलो नहीं।
भी किया जाता है। फैक्ट नंबर 10, सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति भारतीयों को बहुत ज्यादा पसंद है, जिसके विजेता अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के दम पर लाख से करोड़ रुपए जीतते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि केबीसी के विजेताओं को पैसा कौन देता है? जाहिर सी बात है कि अमिताभ बच्चन तो नहीं देते होंगे। दरअसल इस प्रोग्राम में विजेता को पैसा सोनी टीवी पर आने वाले एड, विज्ञापन और स्पॉन्सर्स द्वारा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से किसी एक व्यक्ति पर पैसे देने का भार नहीं होता है। केबीसी को इतने लोग देखते हैं कि उसे अच्छे खासे स्पॉन्सर और विज्ञापन मिल जाते हैं, जिससे सोनी टीवी की कमाई भी हो जाती है और विजेताओं द्वारा जीती जाने वाली रकम भी निकल आती है। लेकिन केबीसी में 1 करोड़ की रकम जीतने वाले किसी भी प्रतियोगी को पूरे पैसे नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें सरकारी नियमों के तहत जीत का 30% हिस्सा टैक्स के रूप में जमा करना होता है। ये नियम सिर्फ केबीसी के विजेताओं पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि आम लॉटरी में भी 1 करोड़ से ज्यादा धनराशि जीतने पर विजेता को सरकार को 30% टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। इस तरह केबीसी पर 1 करोड़ की रकम जीतने वाले व्यक्ति को 30,20,000 रुपए टैक्स के रूप में सरकार को अदा करने पड़ते हैं, जिसके बाद बाकी के पैसे वो अपने घर ले जा सकते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि सोनी टीवी पर करोड़पति बनने वाला हर व्यक्ति असल में करोड़पति नहीं बल्कि लखपति बनता है, क्योंकि टैक्स की वजह से उसे अच्छी खासी रकम सरकार को देनी पड़ती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।